नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दी समारोह की तैयारी हो रही है। तैयारी इसलिए कि 14 तारीख को यहां पे एक भव्य प्रोग्राम रखा जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। समिति के हमारे साथ सदस्य हैं अशोक जी से जानते हैं कि ये तैयारी है, इस लेवल तक पहुंच गई है और परसों जो प्रोग्राम होने वाला है उसका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से उसे सफल बनाने की तैयारी हो रही है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बताएं मैं इस प्रोग्राम के बारे में। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। उनके समारोह कार्यक्रम मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक समिति बनी है। माननीय उदय राजे होलकर जी उसके कार्याध्यक्ष हैं। उनकी देखरेख में एक बड़ी समिति बनी है जो देश भर में चलने वाले कार्यक्रम को देख रही है, मार्गदर्शन कर रही है, उनकी सहभागिता हो रही है, दिशा उसको दे रहे हैं। वो माननीय उदय राजे होलकर जी भी परसों के कार्यक्रम में दिल्ली वाले में रहने वाले हैं। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी रहने वाले हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षा सुश्री श्रीमती विमला मेहरा जी, जो 1978 की IPS है और पूर्व DG प्रिजन दिल्ली रही है, और दिल्ली की समारोह समिति की जो अध्यक्षा है डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में भी एक 50 ऐसे बंधु बहनों की जो समाज सेवी हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, उनकी एक समिति बनी है जिसके सचिव के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है। 31 मई 1725 को उनका जन्म हुआ, तो 31 मई 2024 से दिल्ली में भी कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। विभिन्न स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, अनेक NGO के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल ही रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक स्टेट लेवल का बड़ा भव्य कार्यक्रम हो तो सभी समारोह समिति के सदस्यों ने बैठ करके उसको एक डिजाइन किया है और 14 नवंबर 2024 को गुरुवार को शाम को 4:30 बजे केदारनाथी सहनी सभागार में सिविक सेंटर दिल्ली में वो रहने वाला है, जिसमें प्रदर्शनी भी रहेगी कुछ प्रतिमाओं का और कुछ एग्जीबिशन का वहाँ प्रस्तुतिकरण रहने वाला है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके कृतित्व और कामों को लेकर के युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले, एक शोध केंद्र भी दिल्ली में काम कर रहा है। उससे शोध केंद्र जो तथ्य पाए हैं उनके आधार पर 2 पुस्तक का निर्माण हुआ है जिनका विमोचन भी वहां होने वाला है और अंत में सभी जो गरिमा में उपस्थिति जिनकी है उनका उद्बोधन रहेगा। मुख्य वक्ता के रूप में माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का उद्बोधन रहेगा। 5 ऐसे ही समाज के प्रबुद्ध लोगों को संरक्षक मंडल के रूप में भी रखा गया है जिनकी गरिमामयी उपस्थिति मंच पे रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद जी और बचपन स्कूल के जो फाउंडर हैं वो भी वहाँ रहने वाले हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रबुद्ध लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। बिल्कुल, एक चीज जो पिछले 8-10 साल में देखने को मिला है, ऐसी चीजों को बढ़ावा दी जा रही है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय विरोधा जो हमारे हुए हैं, मिला के जो मैथोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, तो इसको पहले ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, अब इसे तवज्जो दिया जा रहा है और यही वजह है कि आज भारतीय संस्कृति को लोग जानते हैं। पहले के बच्चों में पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा था, बच्चे इसको लेकर जागरूक नहीं हो पा रहे थे। जैसा कि आपने कहा कि उनके जीवन के बारे में स्कूलों में भी कार्यक्रम चल रहा है, इससे उन बच्चों तक ये चीज पहुंच पाएगा कि कौन हमारे थे, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, और इससे उन बच्चों तक ये संदेश जाएगा कि वो अपने पूर्वजों के बारे में जान सके। लेकिन एक चीज और देखने में मिलता है, उसको लेकर क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं? सरकारी स्कूलों में तो ये सारी चीजें हो जाती है, जो हमारे सरस्वती विद्यालय है उन सब में तो ये सारी चीजें हो जाती है, लेकिन जो कम्युनिटी संस्थाएं जो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, जो इस्लामिक संस्थाएं हैं उससे रिलेटेड जो स्कूल है, वहां तक हमारी पहुँच हो, उसके लिए आप लोग लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जो जीवन है, उनका जो कृतित्व है, वो अपने आप में इतना व्यापक है और सारी चीजों को इतना समाहित कर रहा है। तो इस कार्यक्रम को रखने का एक उद्देश्य ये भी है कि हर संस्थान में, चाहे उनको संचालन करने वालों का समूह कुछ भी हो, वहां तक पहुंचे, और उनका कृतित्व भी जब हम देखते हैं तो प्रेरित भी करता है। जैसे उन्होंने सड़कें उस समय में बनवाई और सड़कों का पुनर्निर्माण भी करवाया, तो सड़कों का उपयोग तो सभी लोग करते हैं। उन्होंने उस समय, जो आज वोकेशनल और स्किल इंडिया की बात हो रही है, वो 300 साल पहले उन्होंने महेश्वरी टेक्सटाइल को ईजाद किया और वो आज इतनी पॉपुलर है,
तो आप ये देखिए कि टेक्सटाइल के फील्ड में स्किल और वोकेशनल के फील्ड में सभी की डिमांड है। मॉडर्न इंडिया अगर हम बनाना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो वो सब बातें उसमें उनकी जो न्यायप्रियता है जो आपने कहा, तो निश्चित रूप से जो उनका न्याय करने का दृष्टिकोण था कि खुद सामान्य जन को, प्रजा जो दरबार में उनके आती थी उनको खुद सुनती थी, उसके बाद ही वो अन्न ग्रहण करती थी, तो खुद न्याय करना, उनके न्याय के भी अनेक किस्से उस समय के मौजूद हैं। और रेवेन्यू सिस्टम जो आज भू प्रबंधन रिकॉर्ड को रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो हम नारी शक्ति की बात करते हैं, वीमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस समय महिलाओं की सेना उन्होंने बनाई, उनकी डिप्लोमेसी देखने वाली थी, ना केवल धार्मिक क्षेत्र में, अनेक अनेक सामाजिक और आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी उन्होंने काम किया। तो ये संदेश सभी के लिए, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जो अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए भी आप देखेंगे 2024 की जो मिस यूनिवर्स है, उन्होंने भी बहुत अच्छा उस पर कमेंट्स किया है, जब उनको पूछा गया है कि आप किसके साथ डिनर करना चाहेंगे, तो रिया सिन्हा ने कहा है कि भाई मैं अहिल्या बाई होलकर के साथ डिनर करना चाहती हूँ। क्यों? तो उनका 300 साल पहले उन्होंने टेक्सटाइल के बारे में सोचा और वीमन को इतना एम्पावर करने के लिए सोचा, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो निश्चित रूप से उनके कर्तित्व को, कामों को जो हम बता रहे हैं, उसीलिए बता रहे हैं कि कोई भी संस्थान अछूता ना रहे और देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रहे कि निश्चित रूप से उनका जीवन हमें प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल, आपने सुना किस प्रकार से अहिल्या बाई होलकर ने अपने जीवन में जो काम किए उसके बारे में आज के नए बच्चों तक मैसेज जाए, उनके बारे में वो जाने। और आज जो आगे बढ़ने की बात हो रही है, चाहे टेक्नोलॉजी से लेकर, चाहे संसाधन से लेकर या आईटी से लेकर, सभी क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसे में ये प्रचार प्रसार भी जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या काम किया, उनके बारे में अगर हमारे नए युवक बच्चे जानेंगे तो उन तक ये मैसेज जाएगा कि आगे वो किस प्रकार से इस देश के भावना को दुनिया तक फैला सके। सिर्फ रोजी रोटी कमा कर तो हम खाते आ रहे हैं, अब जरूरत है देश की संस्कृति सभ्यता को दुनिया तक फैलाने की, देश को दुनिया के मुकाम पर खड़ा करने की। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।